हेलो एवरीवन, मैं पूर्वा सुंदरी और आज हम आपको लेकर आए हैं सामान्य हिंदी में मुहावरों का जो सेकंड पार्ट है, मतलब 50 के बाद जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 51, खूब मंडूक होना का अर्थ है ऑप्शन ए कुएं में गिरना, ऑप्शन बी मूर्ख होना, ऑप्शन सी मात देना और ऑप्शन डी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो खूब मंडूक होने का अर्थ क्या है? सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए रंग उतर जाना, ऑप्शन बी सच्चाई का पता लगना, ऑप्शन सी भेद प्रकट होना और ऑप्शन डी है चमक का गायब होना। तो कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी भेद प्रकट होना, ठीक है, या भेद प्रकट करना। नेक्स्ट, कान भरना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए धोखा देना, ऑप्शन बी चाणक होना, ऑप्शन सी चुगली करना और ऑप्शन डी है असर ना होना। कान भरना बहुत ही साधारण सा मुहावरा है, मतलब क्या है? ऑप्शन सी चुगली करना। ठीक है, किसी के कान भरने से क्या हो जाती है? लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मतलब किसी की चुगली कर देते हैं अपन तो उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। नेक्स्ट, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए काठ का उल्लू होना, ऑप्शन बी अक्ल का दुश्मन, ऑप्शन सी आस्तीन का सांप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? मतलब आस्तीन का सांप होना। कपटी मित्र होना मतलब कैसा? आस्तीन का सांप होना। पहली बात तो मित्र है तो कपटी है, अगर तो वो मित्र ही नहीं है, आस्तीन का सांप है। ठीक है, नेक्स्ट, कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है ऑप्शन ए मल फेंकना, ऑप्शन बी दूसरे के कपड़े गंदे करना, ऑप्शन सी बदनाम करना और ऑप्शन डी है दलदल में फंसना। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको कि मुहावरे का उनके शब्दों से कोई अर्थ नहीं होता, उसका एक अलग विशेष अर्थ होता है। कीचड़ उछालना मतलब क्या होगा? बदनाम करना। ठीक है, नेक्स्ट, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन ए नकली घोड़े दौड़ना, ऑप्शन बी बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन सी व्यर्थ की लिखापढ़ी करना और ऑप्शन डी जांच पड़ताल करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ क्या होगा? व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। ठीक है, नेक्स्ट, कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा ऑप्शन ए प्रतिज्ञा करना, ऑप्शन बी कान पक जाना, ऑप्शन सी गलती करने पर दूसरे के कान पकड़ना और ऑप्शन डी यह मुहावरा नहीं है। तो क्या होगा? कान पकड़ने का अर्थ क्या होगा? प्रतिज्ञा करना। कभी कहते ना कान पकड़े भैया, अब नहीं करेंगे ये काम। नेक्स्ट, किनारे लगाना ऑप्शन ए अलग रहना, ऑप्शन बी काम पूरा करना, ऑप्शन सी अलग करना और ऑप्शन डी बेचैन होना। तो किनारे लगाना क्या होगा इसका अर्थ? ऑप्शन बी काम पूरा करना। नेक्स्ट, काम से बचने के लिए बहाना बनाना ऑप्शन ए दम साधना, ऑप्शन बी जी चुराना, ऑप्शन सी जी छोटा होना और ऑप्शन डी है जी मछलाना। तो काम से बचने के लिए अपन बहाना बनाते हैं तो क्या कहलाता है वो? जी चुराना। जी चुराना मुहावरे का अर्थ है काम से बचने के लिए बहाना बनाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? कान भरना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए हिम्मत बांधना, ऑप्शन बी प्रेरित करना, ऑप्शन सी गुपचुप निंदा करना और ऑप्शन डी हतोत्साहित करना। कान भरना का अर्थ क्या होगा? गुपचुप निंदा करना, मतलब वही एक प्रकार से चुगली करना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना ऑप्शन ए है जान हथेली पर रखना, ऑप्शन बी छक्के छुड़ाना, ऑप्शन सी गढ़ जीत लेना और ऑप्शन डी गंगा नहाना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर ली मतलब क्या कर लिया भैया? गढ़ जीत लिया। ऑप्शन सी गढ़ जीत लेना मतलब कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। गढ़ मतलब क्या होता है आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए, गढ़ मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन ए कुछ समझ में ना आना, ऑप्शन बी अनदेखा करना और ऑप्शन सी है शर्मिंदा होना, ऑप्शन डी है गुस्से से भर जाना। तो परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर अकल चकरा गई, अपनी अकल चकरा गई है तो क्या हो गया? हमें कुछ समझ में नहीं आया, इसका अर्थ क्या हुआ? कुछ समझ में ना आना। नेक्स्ट, काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अडिग, ऑप्शन बी निर्जीव, ऑप्शन सी अत्यधिक और ऑप्शन डी है मूर्ख। काठ का उल्लू मतलब मूर्ख, ठीक है, ऑप्शन डी मूर्ख। कोड़ में खाज होना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है, इनमें से कौन सा विकल्प होगा?
ऑप्शन ए समस्याओं में कमी होना, ऑप्शन बी दुख पर और दुख होना, ऑप्शन सी किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, ऑप्शन डी समस्या का समाधान हेतु साधनों का अभाव। तो पहले से ही किसी को कोढ़ है, उतने में उसी में क्या हो गया, उसे खाज हो गई, तो बहुत ज्यादा पहले से ही दुख था उसमें और दुख हो गया, तकलीफ में तकलीफ बढ़ जाना, तो दुख पर दुख होना। ठीक है, काट होना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए मूर्ख होना, ऑप्शन बी सचेत होना, ऑप्शन सी है निश्चेत होना और ऑप्शन डी है स्तब्ध होना। काट होना मतलब स्तब्ध हो जाना, एकदम से अपनी जगह पर खड़े रह जाना, चौंक जाना, स्तब्ध। काफूर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कलंकित होना, ऑप्शन बी भाग जाना, ऑप्शन सी बढ़ा काम करना और ऑप्शन डी गद्दार होना। काफूर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भाग जाना, क्या? ऑप्शन बी भाग जाना। नेक्स्ट, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए भोजन पकाना, ऑप्शन बी चावल दाल मिलाकर बनाना, ऑप्शन सी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना और ऑप्शन डी है किसी के लिए खाना पकाना। खिचड़ी पकाना मतलब क्या होगा? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, ऑप्शन सी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ठीक है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए युद्ध में शहीद होना, ऑप्शन बी कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, ऑप्शन सी जमीन बिक जाना और ऑप्शन डी जमीन खरीदना। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खेती से संबंधित कोई भी वाक्य नहीं होगा, इतना याद रखना है। तो क्या होगा? युद्ध में शहीद होना। ठीक, नेक्स्ट, खुशामत करना। ऑप्शन ए नखरे उठाना, ऑप्शन बी नाक में दम करना, ऑप्शन सी नाक चढ़ाना और ऑप्शन डी नाकों चने चबाना। तो खुशामत करना का अर्थ क्या हो जाएगा? नखरे उठाना। नेक्स्ट, खाना ना पचना, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए पेट खराब होना, ऑप्शन बी मन खराब हो जाना, ऑप्शन सी चैन ना पड़ना और ऑप्शन डी है कब्जियत होना। खाना ना पचना क्या होगा इसका अर्थ? चैन ना पड़ना। ठीक है, ये बाकी के तीनों क्या है? असंगत है, मतलब इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, खराद पर चढ़ना, ठीक है, नया सा है कुछ। ऑप्शन ए शत्रु के आमने सामने आना, बी कठिनाई में पड़ना, ऑप्शन सी जांच में आना और ऑप्शन डी है सच्चाई का सामना करना। खराद पर चढ़ना मतलब क्या होगा? जांच में आना। प्रश्न करके परेशान करना, कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है? ऑप्शन ए खोपड़ी खुजलाना, ऑप्शन बी खोपड़ी गंजी करना, ऑप्शन सी खोपड़ी खाना और ऑप्शन डी खोपड़ी मानना। किसी को प्रश्न कर करके परेशान करना, मतलब अगर हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं किसी से तो वो क्या कहेगा हमसे? यार हमारी खोपड़ी मत खाओ तुम। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? खोपड़ी खाना। नेक्स्ट है, खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है? ऑप्शन ए पछतावा होना, ऑप्शन बी निर्णय ना होना, ऑप्शन सी बहुत कष्ट होना, ऑप्शन डी नुकसान होना। तो खटाई में पड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निर्णय ना होना। नेक्स्ट, गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है? ऑप्शन ए विघ्न आना, ऑप्शन बी बेफिक्र होना, ऑप्शन सी शक्तिहीन और ऑप्शन डी है मालदार। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय क्या होगा? ऑप्शन डी मालदार। ठीक है, नेक्स्ट, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। ऑप्शन ए है कोई बखेड़ा खड़ा करना, ऑप्शन बी गायब कर देना, ऑप्शन सी बना बनाया काम बिगाड़ देना और ऑप्शन डी अपनी हानि करके मौज उड़ाना। गुड़ गोबर कर देना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना, ऑप्शन सी बना बनाया काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट, गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए गंगा नहाना, ऑप्शन बी एक पात्र में गंगा जल भरना, ऑप्शन सी कसम खाना और ऑप्शन डी बड़ गोलापन, ऑप्शन ई गंगा जल छिड़कना। गंगा जली उठाना, ठीक है, हमारे बुंदेलखंड एरिया में बहुत चलता है गंगा जली उठाना, तो बहुत ही आसान सा है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कसम खाना। नेक्स्ट, ये आपको बता दें टेस्ट को लेके आया है आपको 5000 क्वेश्चंस का एक साथ संग्रह। तो जिन्होंने अभी तक टेस्ट पर अपने फोन में इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जल्दी से उसको इंस्टॉल कीजिए। आप चाहे तो हमारी टेस्ट सीरीज को भी परचेस कर सकते हैं, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है ना। नेक्स्ट, रूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए फूल की तरह खिलना, ऑप्शन बी अति प्रसन्न होना, ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु और ऑप्शन डी सुगंधित होना।
तो गूलर का फूल होना मतलब बहुत ही दुर्लभ वस्तु होना। नेक्स्ट, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरा का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए छोटे शिशु को तलाशना, ऑप्शन बी अत्यधिक शरारती बालक, ऑप्शन सी पास में वस्तु चारों ओर खोजना और ऑप्शन डी छोटे बालक की प्रशंसा करना। क्या होगा इसका आंसर? गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, तो क्या होगा पास में रखी वस्तु को चारों ओर खोजना। नेक्स्ट, नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं ऑप्शन ए सिर धुनता है, ऑप्शन बी कलेजे पर हाथ रखता है और ऑप्शन सी असमंजस में पड़ जाता है, ऑप्शन डी फूट फूट कर रोता है। तो अत्याचारी अत्याचार का एक दिन अंत जरूर होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए क्या करता है? सिर धुनता है। सिर धुनना मुहावरे का अर्थ क्या है? शोक करना। अतः क्या बन जाएगा वाक्य अपना? आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। ऑप्शन ए असंभव काम करना, ऑप्शन बी थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ऑप्शन सी मूर्खतापूर्ण काम करना, ऑप्शन डी सरस दोहों की रचना करना। तो गागर में सागर भरना मतलब क्या होता है? थोड़े से शब्दों में अधिक कहना, कम वाक्यों कम शब्दों में अपनी बात को कह देना गागर में सागर भरना होता है। नेक्स्ट, गांव के जमींदार का अपमान करके सरजू ने शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा दुस्साहस किया है। ठीक है, जमींदार तो वैसे भी बहुत ताकतवर होता है और सरजू ने क्या किया है? शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा दुस्साहस किया है। तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए ताकत दिखाना, ऑप्शन बी अपने से अधिक ताकतवर से लड़ने का जोखिम उठाना, ऑप्शन सी शेर का शिकार करना, ऑप्शन डी मरने की तैयारी करना। तो क्या होगा इसका आंसर? अपने से अधिक ताकतवर से लड़ने के लिए क्या करना? जोखिम उठाना। नेक्स्ट, गुदड़ी का लाल इस मुहावरे से क्या आशय है? ऑप्शन ए निर्धन परिवार में धन का आना, ऑप्शन बी धोखेबाज मित्र, ऑप्शन सी निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, ऑप्शन डी है निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना। तो क्या होगा इसका आंसर? गुदड़ी का लाल होना मतलब निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना या निर्धन परिवार में कोई गुणवान होना, गरीबी में गुणवान होना गुदड़ी का लाल कहलाता है। नेक्स्ट, गर्व करना विकल्पों में दिए गए किस मुहावरे का अर्थ है? मतलब गर्व करना अर्थ है, अपने को बताना है कि यह किस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए ऐंठ कर चलना, ऑप्शन बी दिन काटना, ऑप्शन सी ओले पड़ना, ऑप्शन डी डींग हाँकना। तो गर्व करना किस मुहावरे का अर्थ होगा? ऑप्शन ए ऐंठ कर चलना, अकड़ कर चलना। नेक्स्ट, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए घुटने में दर्द होना, ऑप्शन बी दुखी होना, ऑप्शन सी हार मान लेना और ऑप्शन डी विजय प्राप्त करना। घुटने टेकना मतलब क्या? हार मानना, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा? ऑप्शन ए नहाना, ऑप्शन बी कांपना, ऑप्शन सी लज्जित होना और ऑप्शन डी है सर्दी लगाना। तो घड़ों पानी पड़ना मतलब क्या होगा? लज्जित होना। नेक्स्ट, घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ है? ऑप्शन ए दीपावली मनाना, ऑप्शन बी खुशी मनाना, ऑप्शन सी रईसी प्रकट करना, ऑप्शन डी अपने को विशिष्ट समझना। घी के दिए जलाना मतलब क्या होगा? खुशी मनाना। अभी अभी जब अयोध्या से भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे तो अपन ने क्या किया था? घी के दिए जलाए थे, तो वह कहलाने लगा दीपावली। लेकिन घी के दिए जलाना क्या कहलाता है? खुशी मनाना कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है घूस देना? ऑप्शन ए गाल बजाना, ऑप्शन बी घड़ा कूदना, ऑप्शन सी चार चांद लगाना और ऑप्शन डी है चांदी का जूता देना। तो घूस देना का अर्थ क्या होता है? मतलब घूस देना किस मुहावरे का अर्थ होता है? चांदी का जूता देना। चांदी का जूता मतलब घूस देना या रुपये का जोर बताना। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है घमंडी के तीन होना? ऑप्शन ए परास्त होना, ऑप्शन बी बहुत सस्ता होना, ऑप्शन सी मर जाना और ऑप्शन डी ध्वस्त हो जाना। तो घमंडी के तीन होना मतलब बहुत सस्ता होना, ठीक है। नेक्स्ट, घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है? ऑप्शन ए बहुत बेचैनी से इंतजार करना,
बी अधिक बीमार होना, ऑप्शन सी बहुत कमजोर होना और ऑप्शन डी है मृत्यु का समय दूर होना, घड़ियां गिनना। क्या होगा इसका अर्थ? बहुत बेचैनी से इंतजार करना। नेक्स्ट, घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए। क्या होगा? ऑप्शन ए है खूब घुलना मिलना, ऑप्शन बी पौष्टिकता में वृद्धि होना, ऑप्शन सी है स्वाद बढ़ाना, ऑप्शन डी मकर संक्रांति पर्व मनाना। क्या होगा इसका आंसर? घी खिचड़ी होना मतलब खूब मिलना जुलना। नेक्स्ट, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है ऑप्शन ए साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, ऑप्शन बी मौज करना, ऑप्शन सी फुर्सत में बंसी बजाना, ऑप्शन डी बेरोजगार होना। तो चैन की बंसी बजाना मतलब क्या होगा इसका आंसर? मौज करना। नेक्स्ट, चेहरे पर हवाइयां उड़ना का अर्थ है ऑप्शन ए तेजी से चलना, ऑप्शन बी घबरा जाना, ऑप्शन सी जवाब ना देना, ऑप्शन डी क्रोधित होना। तो चेहरे पर हवाइयां उड़ना मतलब घबरा जाना, जैसे कोई अचानक से घबरा जाता है तो उसका चेहरे का रंग बदल जाता है एकदम से और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? घबरा जाना। चक्कर में डालना ऑप्शन ए धक्का धोखा देना, ऑप्शन बी चकित करना, ऑप्शन सी चक्कर मारना, ऑप्शन डी घुमा देना। चक्कर में डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चकित कर देना। ठीक है, छक्का पंजा करना मुहावरा का सही अर्थ है ऑप्शन ए झगड़ा लगाना, ऑप्शन बी ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन सी चापलूसी करना, ऑप्शन डी नारंगगिरी करना। तो छक्का पंजा लगाना का अर्थ क्या होगा? ओछी हरकत से मतलब अपनी छोटी बेकार सी हरकतों से अपना कार्य सिद्ध करना। नेक्स्ट, छड़ी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है ऑप्शन ए बुरा हाल होना, ऑप्शन बी पराजित होना, ऑप्शन सी बचपन की याद करना, ऑप्शन डी भूख लगना। छड़ी का दूध याद आना मतलब क्या होगा इसका अर्थ? बुरा हाल होना। नेक्स्ट, जवान पर लगाम ना होना ऑप्शन ए स्पष्टवादी होना, ऑप्शन बी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ऑप्शन सी सदैव कठोर वचन कहना और ऑप्शन डी है सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। क्या होगा जवान पर लगाम ना होना मतलब अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। स्पष्टवादी होना अलग बात है और अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना अलग बात है। तो जिसकी जवान पर लगाम नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी है। जूते चाटना का अर्थ है ऑप्शन ए इधर उधर घूमना, ऑप्शन बी घूस देना, ऑप्शन सी जूतों को चमकदार बनाना और ऑप्शन डी है खुशामत करना। जूते चाटना मतलब जरूरत से ज्यादा किसी की तारीफ किए जा रहे हैं, उसी के गुणगान किए जा रहे हैं, तो क्या होगा मतलब खुशामत करना। जूते चाटने का अर्थ है किसी की जरूरत से ज्यादा तारीफ करना अर्थात उसकी खुशामत करना। नेक्स्ट, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है जूतम पैजार मुहावरा, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए लड़ाई झगड़ा होना, ऑप्शन बी लूट मचाना, ऑप्शन सी छीना झपटी करना और ऑप्शन डी है किसी वस्तु की बहुतायत। तो जूतम पैजार मतलब क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होना। नेक्स्ट, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है जूतियों में दाल बांटने मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है दुखी होना, ऑप्शन बी अपमान करना, ऑप्शन सी चापलूसी करना, ऑप्शन डी लड़ाई झगड़ा हो जाना। क्या होगा इसका आंसर? जूतियों में दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना और जूतम पैजार मतलब क्या है? लड़ाई झगड़े में होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है जवान पर चढ़ना ऑप्शन ए याद होना, ऑप्शन बी मुंह में आ जाना, ऑप्शन सी स्वादिष्ट लगना, ऑप्शन डी भूख लगना। क्या होगा इसका अर्थ? जवान पर चढ़ना मतलब याद हो जाना, कहते हैं ना कि ये तो हमें जुबानी याद है मतलब मुंह पर याद रटा हुआ है, याद हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप पिछली वीडियो में जाकर 50 और ये वाले 50 इनका एक बार रिवीजन कर लीजिए। एक बार फिर हम आपको बता दें कि टेस्ट पर आपको लेकर आया है सामान्य हिंदी में 5000 क्वेश्चन MCQs एक साथ और वो भी 3 माह की वैलिडिटी, बहुत ही कम रेट है अभी इसका, 49 रुपये पर 3 मंथ। ठीक है, तो आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।